दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों आज का तरीका बहुत ही मज़ेदार है और कोई नया तरीका नहीं है, पुराना ही है, बट पुराने में थोड़ा सा चेंज है। इस तरीके के तरीके से आप स्क्रबर का बिज़नेस सक्सेसफुली अच्छे मार्जिन के साथ कर सकते हैं और मार्केट से ना तो कोई कंप्लेन आनी है और ना ही कोई इस माल को ख़रीदने से मना करेगा। इसलिए सही जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, एक वो जो पहले से स्क्रबर पैकिंग का बिज़नेस मशीन से पैक करके कर रहे हैं और दूसरे जो इस बिज़नेस को नया नया शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जो नया शुरू करना चाहते हैं, अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं पहले से, तो उस नौकरी को ना छोड़ें, उसके साथ में ही करें। और उसके साथ अगर आप करते हैं तो भी आपको रोज़ के 500 रुपये से 1000 रुपये उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर मन लगा के आप करते हैं तो। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं देना है। तो दोस्तों मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा, कॉस्टिंग से लेकर के सेल कैसे करनी है और पैकिंग कैसे करनी है। शुरू करता हूं, पहले मैं कॉस्टिंग की बात करूंगा। वे लोग जो मशीन से पैक करके सेल कर रहे हैं वो स्क्रबर लेते हैं 7 ग्राम से लगभग 12 ग्राम तक के पीस का, ब्लिस्टर कटोरी लेते हैं, सीट लेते हैं और पैक करते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग आती है लगभग 42 रुपये से लेकर के 50 रुपये के बीच में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ पैकिंग और सेलिंग का काम करते हैं। अगर यही काम जो मैंने स्क्रबर मैन्युफैक्चरर है वो पैकिंग सेलिंग साथ में करता है तो उसकी कॉस्टिंग 30 से 35 रुपए करीब आती है। तो सिर्फ पैकिंग और सेलिंग करने वाले स्क्रबर मैन्युफैक्चरर का कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा गहराई में आप ना जाएं। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ आप जो स्क्रबर का साइज़ ले रहे हैं वो 7 ग्राम से 12 ग्राम है, ठीक है। अब यही एक चेंज करना है यहाँ पर नए तरीके में। इस तरीके में आपको स्क्रबर की जो पैकिंग करनी है वो पॉलीथीन के पाउच के अंदर करनी है, और पॉलीथीन के अंदर पाउच के अंदर जो स्क्रबर आपको रखना है उसका साइज़ बढ़ा देना है। उसका साइज़ आपको 16 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी नीड के हिसाब से। अच्छा, अब बात आती है कि इस पैकिंग में पाउच के अंदर वो अच्छा नहीं लगता, वो ब्रांड नहीं लगता, ख़राब लगता है। तो मैं बता दूँ, जब आप अगर स्क्रबर के साइज़ को बढ़ा देते हैं और पॉलीथीन का पाउच छोटे साइज़ का लेकर के उसके अंदर पैक करते हैं तो साइज़ बड़ा होने की वजह से वो भी अट्रैक्टिव हो जाता है। पॉलीथीन बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, अभी मैं प्रैक्टिकल इसका मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, वरना मैं अभी दिखाता तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ वाकई बहुत अच्छा लगता है अगर साइज़ बढ़ा देते हैं तो। अब रही बात इसको ब्रांड बनाने के लिए, इसके ऊपर एक स्टिकर लगाना है 100% स्टेनलेस स्टील स्क्रबर का, और उसके नीचे उसमें MRP भी प्रिंटेड होनी चाहिए। ये स्टिकर लगभग 50 रुपये में 500 पीस के आसपास ही बन जाते हैं, लगभग 300 से 500 पीस बनते हैं। तो ये हो गया, एक एक पीस के ऊपर आप यूँ पैक कर सकते हैं, ऐसे 12 पीस पैक कर लीजिए। 12 पीस पैक करने के बाद एक पॉलीथीन का बड़ा पैकेट लेना है, ठीक है, जिसमें वो 12 पीस आसानी से आ जाएँ, ईजी वे में आ जाए। और उस पैकेट के अंदर आपको एक पंपलेट छपवानी, पंपलेट कह लीजिए या ब्राउसर कह लीजिए, जिसमें वो अच्छे पेपर पे हो, बिल्कुल ही शाइनिंग पेपर पे हो, अच्छी डिज़ाइन हो, जिसमें आपके प्रोडक्ट का नाम हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, आपके प्रोडक्ट की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो भी है, मतलब कि आपका फर्म का एड्रेस होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए, सब कुछ अच्छा अट्रैक्टिव छपा हुआ होना चाहिए। उस ब्राउसर को या पंपलेट को आप उस पॉलीथीन के अंदर डाल सकते हैं, उसका साइज़ 4x4, 6x4, 6x6, 5x5 कुछ भी रख सकते हैं आपके उस पॉलीथीन साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद इसकी आप पैकिंग कर सकते हैं। अब इसकी पैकिंग आप 1200 रुपये के आसपास जो सीलिंग मशीन आती है उससे पैक करके इसको एक अच्छा ब्रांड बना दे सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से 12 पीस की पैकिंग हो गई। हम कंपेरिजन करते हैं आपकी, अभी आप जो पेपर शीट पे पैक करते हैं वो ब्लिस्टर की पैकिंग होती है। ब्लिस्टर के अंदर पैक करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि ये क्या करता है, स्क्रबर को बाहर के वातावरण से बचाता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं जा पाते, धूल धक्कड़ नहीं जा पाती, बाहर की नमी नहीं जा पाती, जिस कारण स्क्रबर जो होता है वो बाहरी वातावरण के नुकसान से बचता है। पेपर शीट अट्रैक्टिव होने की वजह से इसको कोई बाहर अगर हैंग करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, बट इसका एक नुकसान ये है कि जब हम पेपर शीट पे पैक कर लेते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये स्पेस ज़्यादा कवर करता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीथीन के अंदर पैकिंग वाला सिस्टम है वो इसको क्या करता है, इस कमी को दूर करता है, ठीक है। इसमें भी पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया तो वो सारी चीज़ों से बचाएगा, एटमॉस्फेयर से, के बैड इफेक्ट से, धूल धक्कड़ से, सबसे, और ये भी उतना ही ड्यूरेबल होगा जितना कि आपका ब्लिस्टर के अंदर पैकिंग है। रही बात ब्रांड की, तो ब्रांड के लिए आपने ब्राउसर उसके अंदर एक डाल रखा है, पंपलेट डाल रखी है जो आपके ब्रांड को इंडिकेट कर रहा है। अब बात आती है कि दुकानदार लेगा कि नहीं लेगा।
तो मैं बता दूं कि दुकानदार डेफिनेटली उसको खरीदेगा, कारण क्योंकि अंदर जो है जो 9 ग्राम 10 ग्राम 7 ग्राम की जो पैकिंग हो रही थी उसकी जगह पर 16 से 20 ग्राम की पैकिंग है, काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज़ है, और दुकानदार दौड़ के लेगा, साथ में कस्टमर भी जो होंगे ना, जो लोग जो आसपास के जो दुकान पर माल खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो जब इसे खरीदेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है, और सिर्फ वो इतना ही नहीं, बहुत अट्रैक्ट भी होंगे। अच्छा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना करके बोल रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, कुछ लोग तो 30 ग्राम तक का पीस बना करके सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू भी इनकी बहुत ही अच्छी है, तो मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ जो पेपर शीट पे पैकिंग करके कर रहे हैं ना, आप इस मेथड को अपने उस पैकिंग के साथ ही अप्लाई करिए, पेपर शीट के साथ एक आप एक सैंपल इसका बना करके 10-20 पैकेट बना करके मार्केट में लॉन्च करके देखिए, डेफिनेटली ये चलेगा, और नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, आप वापस दोबारा इसमें पैक कर सकते हैं, बट छोटा सा एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और रही बात कॉस्टिंग की, तो आप देख लीजिए, अगर 20 ग्राम का आप पीस लेते हैं 200 रुपये के जी के हिसाब से 4 रुपये तो आपका स्क्रबर का हो गया, ठीक है, और लगभग लगभग एक स्क्रबर के ऊपर 10 पैसा और खर्च हो जाएगा, 4 रुपये 10 पैसे के आसपास आपकी पैकिंग का चार्ज आ रहा है एक स्क्रबर का, सब मिलाकर के लगभग आपको अगर 10-20 ग्राम का है तो लगभग 48 से 50 रुपये में 12 पीस की पैकिंग होगी, और डेफिनेटली ये वाली पैकिंग मार्केट में 65 रुपये से कम में नहीं बिकेगी, जहां आपको एक 12 पीस पे कम से कम 10 से 15 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन मिल ही रहा है, और दौड़ के ये बिकेगा, कोई इसको लेने से मना नहीं करेगा, आप इस बात को समझिए। ये तो हो गया पहला सिस्टम, अब बात करते हैं कि जो इस काम को नया नया करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने हैं, क्योंकि अभी मार्केट में 190 रुपये से लेकर के 210 रुपये के जी स्क्रबर है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 केजी का एक बॉक्स आता है, और 20 केजी का जो बॉक्स है वो उसके अंदर आप 220 ग्राम के अगर खरीदते भी हैं पीस बनवाते हैं तो लगभग लगभग आपको 20 केजी का 4 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्टिंग लगेगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो मिला करके लगभग पॉलीथीन के चार्जेस मिला करके 4,500 रुपये आपके लग जाएंगे, और यहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। बस खाली अपने को क्या करना है, एक जो ब्राउसर उसके अंदर पॉलीथीन के अंदर डालना, उसमें वेल डिज़ाइन होनी चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और सीलिंग के लिए अंदर के पीस को भले आप स्टेपलर से सील कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसे भी आप सीलिंग मशीन जो आती है हीट सीलिंग मशीन, वो 1,200 रुपये की मिलती है, ठीक है, आप उससे सील करके बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, अच्छा तरीका है, जो मशीन से पैक करके बेच रहे हैं एक बार अप्लाई करके देखें, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक्स्ट्रा बर्डन को डेफिनेटली कम करेगा, जो कि आपके ब्लिस्टर का जो प्रॉब्लम आती है, आपकी सीट की जो प्रॉब्लम आती है, उस समस्या को ये जड़ से ख़त्म कर देगा धीरे 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 धीरे, अगर आपके एरिया की मार्केट सेट हो जाती है इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए ये काम करना बहुत ही आसान है और ज़रूर करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस ज़रूर लाइक करें इसे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रबर से रिलेटेड सारे वीडियोस, हर तरीके के वीडियोस की कौन सी मशीन खरीदे तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप मशीन के थ्रू करना चाहते हैं तो, ठीक है, हर तरीके की जानकारी मैं एक बार डाल दूँ, फिर स्क्रबर के बाद मैं दूसरे तरीके के जो और भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी जल्दी डालना शुरू करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, और मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहें, मैं रोज़ नए से नए वीडियो डालूँगा। नमस्कार दोस्तों।